अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरे चैनल। आज मैं सोयाबीन बना रही हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। दे यहाँ पे मैं सोयाबीन ली हूँ, यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, गर्म पानी में मैं सोयाबीन डाल रही हूँ। इसको थोड़ा देर हिलाएंगे, बॉईल करेंगे थोड़ी देर, थ्री मिनट्स बॉईल करेंगे सोयाबीन को गर्म पानी में। देखिए गर्म हो गए, बॉयल हो गए थोड़ा, ये देखिए उबक गए भी है थोड़े, गर्म गर्म हो गए। तो इसमें पानी पूरा जो निचड़ देंगे इसको, ऐसा निचड़ के बाजू में रख लेंगे सोयाबीन को। तो तब तक यहाँ पे कढ़ाई पे हम 5 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल डाल के यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ मैं, पहले प्याज डाल लेंगे हम ब्राउन कलर होने तक, प्याज डाल लेंगे। तब तक मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साल्ट और दही डाल रही हूँ मैं इसमें। ये सब मिक्स करके ना थोड़ी देर मैरिनेट कर लेंगे इसको, थोड़ी देर मिला के रख लेंगे। देखिए यहाँ पे रख दिया, तब तक प्याज यहाँ पे और भी ब्राउन कलर होनी चाहिए प्याज हमारे यहाँ पर। और लहसुन कुचल के ना मैं उसमें डाल रही हूँ, लहसुन भी, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज ब्राउन कलर हो गया है, तो प्याज को निकाल दिया मैंने। तो वही कड़े पे मैं और थोड़ा तेल डाल के ज़ीरा, लौंग, चकला डाल रही हूँ। जो प्याज मैंने तल के रखी थी, तो प्याज को मैं यहाँ पे, मिक्सर नहीं थी ख़राब है, तो इसलिए मैं इसमें कुचल के कर ली हूँ जो प्याज हमने तल के रखी थी पहले वाले। ये देखिए इसमें मिला दिए हैं जो हमने यहाँ पे मैरिनेट करके रखी थी सोयाबीन, वो इस पर मिला दी है मैं। अब इसको तेल में थोड़ी देर फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें जो कच्ची स्मेल है ना, और स्मेल निकल जाने के लिए। फिर से बता रही हूँ मैं, ज़ीरा, लौंग, तेज़पत्ता, चकला ये डाली थी मैं इसमें। जल्दी जल्दी में नहीं बोल पाई, तो इसलिए फिर से बोल रही हूँ मैं। देखिए तेल में अच्छे से तलेंगे इसको, और थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ और गरम मसाला। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही ये कर लेंगे थोड़ी देर, और 15 मिनट्स इसको ऐसे ही बॉईल करते रहेंगे स्लो फ्लेम पे। ये देख ढक कर इसको 20 मिनट्स ऐसे ही रख कर पकाना चाहिए। ये देखिए हमारा सोयाबीन गले या नहीं देख लेने चेक कर लीजिएगा आप। हमारे सोयाबीन तो 80% गल चुके हैं। अब फिर इसको स्लो फ्लेम पे मैं ऐसे ही 15 मिनट्स रख रही हूँ। मटन कोफ्ते के जैसे अच्छे रहते हैं, अभी फर्स्ट टाइम बना रही, देखते हैं कि बहुत अच्छा टेस्टी भी था। मैं खा के फिर से मैं रिकॉर्डिंग करके मैं वीडियो निकाल रही हूँ, बहुत अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।